हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल SKS ट्यूटोरियल। आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, आयत के सारे बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, आयत की परिभाषा, इसके सारे फार्मूला और आयत के कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयत की परिभाषा करते हैं कि आयत क्या होती है। वह क्षेत्र जो चारों भुजाओं से घिरा हुआ हो और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, मतलब इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है, चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। अब आयत का कुछ फार्मूला करते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, जब आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लंबाई गुने चौड़ाई फार्मूला यूज करेंगे। जब हमें आयत का लंबाई निकालना हो तो लिखेंगे क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, जब आयत का चौड़ाई निकालना हो तो लिखेंगे क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, मतलब क्षेत्रफल दे रखा होगा, लंबाई भी दे रखा होगा तो चौड़ाई इसका निकाल लेंगे। अब आयत का परिमाप, इसका होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका लास्ट फार्मूला है आयत का विकर्ण इक्वल टू √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है, इस कोण से इस कोण तक की जो पॉइंट होती है, लाइन जो होती है AC, उसको बोलते हैं विकर्ण, और ये VD जो होती है उसको बोलते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं जो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। इसके सारे फार्मूले हो गए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे सारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लिया जिसमें लंबाई 5 मीटर दे रखा है, चौड़ाई 3 मीटर दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और विकर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे रखा है, 5 मीटर, गुने चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर, दोनों को गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। अगर इसका हमें परिमाप निकालना हो, परिमाप इक्वल टू होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × लंबाई दे रखा है 5 प्लस चौड़ाई है 3, तो 2 × 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो 2 × 8 = 16, तो 2 × 8 जो हो गया 16 मीटर, तो परिमाप आ गया 16 मीटर। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। लिखेंगे √ लंबाई दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 का होता है 9, तो √ 25 + 9 = 34, इसको यही छोड़ देंगे, तो विकर्ण आ गया 34 मीटर। इसका एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें क्षेत्रफल दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर और लंबाई दे रखा है 10 मीटर, इसका चौड़ाई निकालना है। तो अभी हम चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़े थे, चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, तो क्षेत्रफल इसमें कितना देखा है 100 बट्टा लंबाई है 10, तो 10 को इसे कट करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, इसका चौड़ाई भी आ गया 10 मीटर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर किसी में कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसके ऊपर एक और नया वीडियो बना लूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।